हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे YouTube चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC। और दोस्त, यहाँ पर आप अपन बात कर रहे हैं CSVT का जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग, उस पर पूरा सीरीज यहाँ पर डिफाइन हो रहा है। और पर्सनली मेरी भी कोशिश रहेगी कि CSVT ने जो फर्स्ट ईयर के अपडेट्स ला रहे हैं समय के साथ साथ, उन पे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि आपको अपडेशन रहे, सारी इन्फॉर्मेशन रहे और मेरा भी फर्स्ट ईयर रिमेम्बर होता रहे, यार याद आते रहे। उससे बड़ा क्या है पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बहुत सारी मेमोरीज रहती है। आप भी कॉलेज में आओगे तो फर्स्ट ईयर की जो मेमोरीज रहेगी वो बहुत स्पेशल रहेगी। फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में धीरे 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 वो पूरी फेड होने लगेगी, मीन्स क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट ईयर की मेमोरी प्राइसलेस रहेगी। तो अपन खैर आज की वीडियो में बात करने वाले पर्सनली मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में, लेकिन थोड़ी सी अजीब बात है। यहाँ पर बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और फंडामेंटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो सब्जेक्ट हुआ करते थे जब मैंने फर्स्ट ईयर पास आउट जब मैं फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था। अभी मैं हूँ थर्ड ईयर में, तो इसी साल नया सिलेबस लॉन्च हुआ है। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देख रहे हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है, जो कि पर्सनली हैरानी की बात है मेरे लिए। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स, ये नाम दिया गया सब्जेक्ट को, और पहले दोनों अलग अलग हुआ करते थे। तो क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, जो मुझे खुद लगते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। तो पहले अपन बात करते हैं क्या क्या यहाँ पर चैप्टर्स डिफाइन किए गए हैं और उसके अंदर में क्या क्या है। अगर आप सीधा मेरे ओपिनियन पे जाना चाहते हो तो वीडियो को फटाक से आगे बढ़ा दूँ, वो मिल जाएगा आपको। और चैप्टर्स पढ़ना चाहते हो, चैप्टर सुनना चाहते हो, तो चलिए सुनते हैं। हालांकि ये ब्रोशर मैंने जुगाड़ा है अपने एक जूनियर से, ठीक है। अगर आप भी जो भी कॉलेज में होगा तो आपको तो ब्रोशर मिला होगा। तो ये मेरे जूनियर से, मैंने बहुत प्यारा जूनियर है मेरा, कभी मिलाऊंगा तो उनसे जुगाड़ा है। तो बात करते हैं, पहला जो सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग को डेडिकेट होता है, नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स। इसके अंदर आप पढ़ोगे क्या क्या, क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव टेस्ट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, और भी क्या क्या सीमेंट है मुझे याद नहीं, फोजलाना सीमेंट याद नहीं मुझे यार, फाइननेस फाइननेस, सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, फंक्शन ऑफ मोर्टार एंड मोर्टार मिक्सचर ऑफ वेरियस यूजेस। मेरे लिए बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है यार सिविल, क्योंकि सिविल में मेरे काफ़ी बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ भी मैं काफ़ी टच में हूँ, जो पर्सनली मेरे लिए एकदम इंस्पिरेशन है यार। कभी उनसे भी मिलाऊंगा अगर वो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, स्टडीज़ करते हैं, तो उनसे मुझे समय नहीं मिल पाता, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा मिलाने का। तो उनके साथ भी अच्छा रिलेशन है मेरा, बहुत अच्छा रिलेशन है। और सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर फर्स्ट ईयर में था तो सिविल काफ़ी अच्छा लगता था मुझे। और अभी मुझे नहीं पता कि आप अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सब्जेक्ट्स कैसे हैं, पर ठीक लगते थे मुझे। तो ये हुआ पहला यूनिट। सेकेंड यूनिट पे आते हैं जिसका नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। इसमें आप पढ़ोगे पूरा सीमेंट कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट के बारे में, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, नॉर्मल मिक्सचर, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अब मुझे बहुत ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन हाँ वर्केबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि जो कंक्रीट का मिक्सचर है वो कितने इजीली आप उसको हैंडल कर पा रहे हो, कितने इजीली आप उसके साथ काम कर पा रहे हो। जितने इजीली कर पाओगे उसकी वर्केबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन आप बोल सकते हो। उसके बाद है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, मीन पानी में डाल के रखना ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले, तो उस प्रोसेस को क्यूरिंग बोलते हैं। अपन ने भी पढ़ा है यार फर्स्ट ईयर, ऐसा नहीं है। उसके बाद है नेसेसिटी ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन में बहुत टाइप के फाउंडेशन होते हैं यार, और बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। उसके बाद है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी और सेफ बियरिंग कैपेसिटी। कॉमन सेंस की बात है कि अल्टीमेट की वैल्यू को अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे तो सेफ की वैल्यू आएगी। तो वही है, मीन्स अल्टीमेट उससे ज़्यादा वो झेल नहीं सकता, और अगर आप उसको कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे तो सेफ कि मिनिमम इतना चल जाएगा। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी गाड़ी में बैठा लिखा रहता है कि इसमें चार इंसान बैठ सकते हैं, तो क्या चार ही बैठते हैं आप? तो छः ले जाके अपने दोस्तों को बैठा के, मीन्स कोई बड़ी सी गाड़ी है मान लो, तो उसमें बोलते हैं चार से ज़्यादा नहीं बैठना, आप छोटे मोटे बच्चों को ही बैठा दिए, जो भी है आपने 5-6 लोगों को बैठा दिया, उसने वेट कैपेसिटी दिया कि चलो दिया कि उसमें 3 लोग बैठ रहे हैं अगर सपोज एग्जाम्पल, तो 150 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपने 250 किलो से बैठा दिया, तो कि गाड़ी टूट जाती है, फेल हो जाती है, नहीं होती ना। तो उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखता है, उनको पता है लोग है यार, इंडिया की भी बात नहीं, लोग है ये करेंगे ही, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंटेन करना है कि थोड़ा भी अगर ज़्यादा भी अपन लगा दें उस पर फोर्स तो वो डह ना जाए, वो फेल ना हो जाए। तो यही बस आप पढ़ोगे, ये मैंने जनरल एग्जांपल दिया, आप ये कंक्रीट के रिगार्डिंग पढ़ोगे कितना स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह होना चाहिए। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लोड बियरिंग एंड फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सेकेंड यूनिट आपका कंप्लीट हुआ। आते हैं तीसरे यूनिट पे जिसका नाम है सर्विंग एंड लेवलिंग, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल बनते थे।
इसमें आप पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, टेक्निकल टर्म्स, कैलकुलेशन ऑफ रिड्यूस लेवल बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड। अच्छा प्रोसेस है राइज एंड फॉल मेथड, इसके मेथड देख लेना, न्यूमेरिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिविल अगर ब्रांच में अगर आप जाओगे तो जिंदगी भर काम आएगा। और डंपी लेवल से अपन कैलकुलेशन करते थे, और सिंपल प्रॉब्लम्स इन लेवलिंग। लेवलिंग में जनरली क्या होता है कि अपन एक रेफरेंस मानते हैं, उससे अपन हाइट लेते रहते हैं, लेकिन कुछ इसमें स्पेशल न्यूमेरिकल बनते हैं जिसमें क्या रहता है, घर का जो छज्जा रहता है ना, छज्जा को हिंदी में जैसे अपन छज्जा बोलते थे, इंग्लिश में भी जनरली छज्जा ही बोला जाता है। तो छज्जा मीन्स ऊपर से आप नीचे रिवर्स में हाइट काउंट करोगे, तो वैसे न्यूमेरिकल भी होते हैं स्पेशल टाइप, तो पढ़ ले रहा उसको, अच्छा लगेगा यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। आते हैं चौथा यूनिट पे, फाइनली मैकेनिक्स पे घुसते हैं। मैकेनिक्स में जिन जो नाम दिया गया है इस यूनिट को, वो दिया गया है जनरल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। बढ़िया, क्या क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे इसमें आप फ्री बॉडी डायग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक एकदम, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं, मोमेंट ऑफ फोर्स, वर्गनन्स थ्योरम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्करेंट लेमिस थ्योरम जो है, क्या है एफ वन बाई साइन अल्फा वन इक्वल्स एफ टू बाई साइन अल्फा टू इक्वल्स एफ थ्री बाई साइन अल्फा थ्री, जो भी होता है ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट रिएक्शन, बहुत बेसिक से जो पढ़ोगे वो अपने इलेवंथ के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया होगा, उसको पढ़ोगे। और पांचवा यूनिट पे आते हैं, ये एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रसेस। प्लेन बोला गया मतलब टू डायमेंशनल, एक एक वर्ड का मतलब समझो भाई, ठीक है। इसमें रिजिड और परफेक्ट ट्रसेस के बारे में पढ़ोगे, रिडेंडेंट ट्रसेस के बारे में पढ़ोगे, इम्परफेक्ट ट्रसेस के बारे में पढ़ोगे। रिडेंडेंट मतलब जितना जरूरत, मींस मान लो कि कोई फोर्स को झेलने के लिए पांच मेंबर का अपने को ट्रस बनाना है, आपने सात आठ मेंबर लगा दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, लेकिन आपने मटेरियल वेस्ट कर दिया ना, पांच मेंबर की जरूरत है, आपने सात आठ लगा दिया तो आप ही का नुकसान है, उस मटेरियल को कहीं और यूज़ करो, तो वो होता है आपका रिडेंडेंट ट्रस, आपने एक्स्ट्रा डाल दिया। इम्परफेक्ट ट्रस मतलब जितना जरूरत था उतना भी नहीं डाला, परफेक्ट मतलब जितना चाहिए था उतना ही डाला। तो ये कुछ कैलकुलेशन है। ट्रसेस मतलब क्या है कि तीन चार मेंबर से, पाँच छः मेंबर से बना हुआ एक सिस्टम होता है जो टू डायमेंशनल होता है, जिसपे आप फोर्स लगाते हो जॉइंट्स पे, ना कि मेंबर पे, नहीं तो वो फ्रेम बन जाएगा अगर आप मेंबर पे फोर्स लगाओगे तो। तो ये कुछ ट्रसेस है। एक्सियल फोर्सेस दो दो मेथड पे जनरली अपन पढ़ाई करते हैं, कौन कौन सा, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं, लेकिन दो ही मेथड आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा। तो ये थे भाई, सांस लेने दो थोड़ा। तो ये थे कुछ अपने पांच यूनिट। अब बात करते हैं मेरा ओपिनियन, मुझे लगता है कि जब हमने जब पढ़ा था तो दोनों सब्जेक्ट्स यहाँ पर अलग होते थे, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी इनडेप्थ बताया जाता था। सिविल का तो चलो मैं बोलूँगा मेजर पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन व्हाट अबाउट मैकेनिकल स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप फ्रिक्शन के बारे में नहीं बता रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में एक दुनिया है, पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो नहीं बता रहे हो, 10^6 mm^4 इस टाइप से आंसर आता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, थोड़ा सा भी गलती करो फॉर्मूला या कंसेप्ट, मीन्स जैसे कोई बॉडी है उसमें होल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस होल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सर बेसिक्स, और तमाम क्वेश्चन बनते हैं भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पूरा हटा दिया, थर्मोडायनेमिक्स हटा दिया भाई, लोगों को पी के ना की बुक के बारे में पता नहीं चलेगा। चलो फर्स्ट ईयर में चलो मैकेनिकल का बंदा नहीं है, दूसरे ब्रांच का बंदा है, फिर भी पी के ना की बुक तो छूता है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए, अपन ने वो हटा दिया। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी कि दोनों सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया, बट ये मैं समझ सकता हूँ कि CSBT ने क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे नए सब्जेक्ट, प्रोग्रामिंग पर यहाँ पर नया सब्जेक्ट डिफाइन किया गया, कंप्यूटर साइंस पर नया सब्जेक्ट डिफाइन किया गया, तो ये होना ज़रूरी था क्योंकि उनको अल्टीमेटली ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं यही देने हैं, तो बस यही था। तो ये मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानूंगा, बट ये उनकी मजबूरी है, बट क्या कर सकते हैं, ये है। बुक कौन कौन सी है, यथा सागर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक BC पुनमिया ले लो, ठीक है, ग्रंथ है आपके लिए, सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए ग्रंथ, AK तैयार ले लो। पीके नाग का नाम दिया नहीं दिया गया क्योंकि ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे नहीं, बट थर्मोडायनेमिक्स के लिए है। सेंजल की भी बुक सबसे बढ़िया है इनडेप्थ पढ़ने के लिए थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन अगर आप मैकेनिकल में जाओगे जब पढ़ोगे तब पढ़ना, अभी ज़रूरत नहीं है उतना, ठीक है। तो बस यही था दोस्त इस वीडियो में, कुछ भी डाउट हो नीचे कॉमेंट करके पूछ लेना यार, हिचकिचाना नहीं, अपना ही भाई समझना, और उसे कई ज़्यादा ज़रूरी है क्या, मुझे पता है यार, हर वीडियो में बोलता हूँ और हर वीडियो में ध्यान से सुनते हो, अपना ध्यान रखना, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में।